नमस्कार बंधुओं, जय जिनेंद्र। ललितपुर लाइव में आपका स्वागत है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की आप सभी नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुमन चौराहे पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं ललितपुर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हो चुका है। चारों ओर तुबन चौराहे पर कितना सुंदर सुसज्जित यहाँ पर किया गया है। पुरानी बुंदेलखंडी परंपरा से रमतूला और वाद्य यंत्रों के माध्यम से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। स्वागत की परंपरा में आप चारों ओर देख रहे हैं कि केसरिया ध्वज लेकर यहाँ पर नवयुवक घट यात्रा शोभा यात्रा की अगुवाई में खड़े हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ की यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में खड़ा हुआ है। शोभा यात्रा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है, उसके आगे आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर मिष्ठान वितरण हो रहा है। शोभा यात्रा की गणतंत्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मंगल अवसर पर यहाँ पर देख रहे हैं मिष्ठान वितरण किया जा रहा है और यह घट यात्रा महामहोत्सव का विशाल जुलूस अभिनंदन उत्सव तीर्थ क्षेत्र से शुरू हो गया है और उसका एक छोर जहाँ अभिनंदन उदय तीर्थ पर है और दूसरा छोर तुबन चौराहे पर पहुँचने वाला है। अभी आप बने रहिए ललितपुर लाइव के साथ और देखते रहिए घट यात्रा महोत्सव के पूर्व की झलकियाँ। हमारे साथ जुड़े हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो घट यात्रा जुलूस निकल रहा है उसकी अगुवाई में मिष्ठान वितरण कर रहे हैं। देखिए कितना उत्साह है। जमोरिया जी हमारे साथ पूरी टीम के साथ जुड़े हैं। सभी लोगों के लिए सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, आज पंच कल्याणक महामहोत्सव का प्रथम दिन घट यात्रा के अवसर पर हमारे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर के मित्र मंडल के द्वारा सभी जैन जैनेतर के लिए मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुत ही भव्य जुलूस निकल रहा है। गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। बड़ा मंदिर मित्र मंडल द्वारा यहां पर मिष्ठान वितरण किया जा रहा है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की घट यात्रा के पूर्व यहाँ पर तुबन चौराहे पर देख रहे हैं आप कितने उत्साह के साथ मिष्ठान वितरण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी यहाँ पर प्रबंध किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और घट यात्रा का जुलूस आप देख रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यात्रा का यह जुलूस आप देख रहे हैं तुबन चौराहे पर आगे आ गया है। ढोल नगाड़ों के साथ इस जुलूस की अगवानी हो रही है। इधर पर आप जो सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण होते हैं उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस पूरे धार्मिक माहौल में सबसे पहले वस्तु सत्य वक्ता जैन धर्म द्वारा यहां पर जो अभिनंदन किया जा रहा है आप देख रहे हैं। एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज जिनके मार्गदर्शन में है पूरा घट यात्रा मंगल कलश यात्रा यहां पर निकल रही है। महाराज श्री का मार्गदर्शन सभी को मिल रहा है। मंगल कलश लिए हुए यह महिलाएं ध्वज पताकाओं के साथ आगे बढ़ रही हैं। यह मंगल कलश यात्रा इसमें सब इंद्राणी मंगल कलश लिए हुए मंगल भावनाओं के साथ यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे पीछे आप देख रहे हैं एक विशाल वाहन तैयार किया गया है जिसमें माता मरुदेवी और नाभिराय का
तत्व चर्चा करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। आप देखेंगे अमरु देवी और नाभी राय, आप देख रहे हैं उनकी सेवा करते हुए अष्ट कुमारियाँ यहाँ पर विशेष वाहन में चर्चा करते हुए माता अमरु देवी और नाभी राय। अष्ट कुमारी और 56 कुमारी गाँव द्वारा यह जो पंच कल्याणक में क्रियाएं दिखाई जा रही हैं। माँ के जो 16 स्वप्न होते हैं माता अमरु देवी और नाभी राय के दरबार के बाद यह तीर्थंकर माँ के 16 स्वप्नों की यहाँ पर प्रस्तुति दी जा रही है। और उनके पीछे पीछे आप देख रहे हैं सौधर्मेंद्र के रूप में श्री स्वतंत्र मोदी जी और सचिन राणी के रूप में सुमन मोदी जी अश्व पर सवार होकर इस घट यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। श्री संजीव सीए देख रहे हैं आप, और इसमें बहुत उत्साह देख रहे हैं आप श्रद्धालु किस प्रकार से घट यात्रा जुलूस की मंगल अगुवाई में यहाँ मंगल कलश लेकर यह शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं पूर्णमती महिला मंडल के बाद विद्यापूर्ण महिला मंडल यह कलश लेकर अपने वेशभूषा में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। जी आप देख रहे हैं हमारे ललितपुर की महिला मंडल आज अपने पूरे जोश और अपने जोश के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में अपनी भागीदारी दे रही हैं। देखिए आप देवसास गुरु के प्रति इनका समर्पण, कई किलोमीटर लंबी यात्रा आज ये पूज गुरुदेव की साथ जो आज घट यात्रा का कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें हमारी महिला मंडल अपनी पूर्ण भूमिका निभा रही है। देखिए नंदा सुनंदा संभाग और सभी इकाइयाँ मिलकर आज नीली श्रैव का बहुमंडल ये सभी लोग अपने अपने कार्यक्रम को आज इस देव सतगुरु के प्रति अपना समर्पण दे रही हैं। ये देखिए आज वो जटा जय छह ऋतुओं के फल लेकर ऋतु फल लेकर चल रही हैं। आप देखिए ये हमारी महिला मंडल और गाजे बाजे के साथ आज देव सतगुरु की जय घट यात्रा जो इस अनुष्ठान का शुभारंभ होने जा रहा है पूज गुरुदेव के मंगल सानिध्य में पूरा कार्यक्रम छोटे छोटे कलश लेकर रथ यात्रा में अपने सर पे रखकर इस अनुष्ठान में अपने भागीदारी
मंगल कलश लेकर आगे बढ़ रही हैं और यह शोभा यात्रा उपाध्याय को लेकर जल क्षेपण करते हुए यह कलश यात्रा आप देख रहे हैं। अभी अभिनंदन तीर्थ से शुरू हुई है और अयोध्यापुरी की ओर आगे बढ़ रही है। हमको इस फेरी में जाकर बहुत मजा आ रहा है। जय जिनेन्द्र। हाँ, हम लोग नंदा सुनंदा संभाग के अध्यक्ष और मंत्री हैं। आज इस नजारा को देख के बहुत ही उत्साह हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये भूतो ना भविष्य। पेरेंट्स मंडल द्वारा धूप क्षेपण का जो यह दृश्य दिखाया गया है, अपने अष्ट कर्मों को नाश करने की भावना को लेकर यह धूप क्षेपण करते हुए पेरेंट्स चल रहे हैं। आप देख रहे हैं यह मंडल एक अनुपम भक्ति नृत्य के रूप में यहां पर प्रस्तुत हुए हैं। चंद्र प्रभु महिला मंडल की द्वारा यह प्रस्तुति दी जा रही है। महिला मंडल जय इंद्र इंद्राणी यह नृत्य कलश लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शोभा यात्रा अभिनंदन तीर्थ से प्रारंभ होकर अयोध्यापुरी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अनुपम प्रस्तुति, अलौकिक दृश्य, ऐसा ललितपुर में पहली बार ऐसी घट यात्रा देखने को नगरवासियों को मिल रही है। चारों ओर यहाँ पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर यह दृश्य है। ललितपुर के इतिहास में प्रथम बार शाही पंच कल्याणक महोत्सव की घट यात्रा निकाली जा रही है। इसमें ललितपुर के समस्त महिला मंडल अपने अपने
कलशा के साथ इस घट यात्रा में शामिल हुई हैं। इस घट यात्रा की प्रभावना देखते ही बनती है, आज मानो ऐसा लग रहा है कि ललितपुर नगरी धर्म नगरी हो गई हो। आज की इस घट यात्रा में समस्त जनपद के महिला मंडल शामिल हुई हैं। इस घट यात्रा से ललितपुर का धार्मिक वातावरण चारों ओर फैल रहा है। देखूं परिवार से गहरा सूर्य संत है, यह स्लोगन देखिए कितने शिक्षाप्रद बच्चे लेकर चल रहे हैं। पाठशाला परिवार के बच्चों द्वारा यह प्रस्तुति तैयार की गई है और लोहा सोना हो पारस से परंतु जंग लग जाता है। स्लोगन आपको संदेश दे रहे हैं, उजाले में हैं, उजाला करते हैं गुरु को बंधु आचार्य विद्यासागर महाराज के स्लोगन यहाँ पर बच्चे हाथों में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नंदनोदय तीर्थ पंच कल्याणक की है घट यात्रा कलश यात्रा जो साई पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्यापुरी के लिए आगे बढ़ेगी। आप देख रहे हैं महिला मंडल नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो 24 तीर्थंकर जैन धर्म द्वार है पूज्य महाराज श्री एलक श्री भैर सागर जी महाराज मंगल कमल कमल लेकर यह इंद्र इंद्राणी देख रहे हैं यहाँ अभिनंदन तीर्थ पहुँच रहे हैं। यह मंगल कलश यात्रा में कमल लेकर इंद्र इंद्राणी हाथों पर नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साइड में आ जाओ। यह मंगल कलश यात्रा में पानी पी लो, पानी सब में आज हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा नज़ारा ना किसी ने देखा होगा ना कभी सोचा होगा। पूज्य गुरुदेव श्री मुनि भंगम सागर जी के सन्निध में महापंच कल्याणक महामहोत्सव बहुत ही आनंद आए, बहुत ही मंगलमय। देखिए आप क्या वापस हो गए, अपना निकल रही है, बहुत ही शानदार पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आदिनाथ सेवा संघ व्यायामशाला बाहुबली नगर के स्वयं सेवक अपना शारीरिक प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। महापात्र अलिया परिवार के श्री द्वारा देख रहे हैं आप इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के महापात्र इस शोभा यात्रा में आगे। सराफ परिवार महेंद्र जी सराफ प्रभात जी सराफ परिवार आप देख रहे हैं वहाँ मंगल यात्रा में आगे चल रहे हैं। मालगांव के वीर सेवा दल द्वारा यह शोभा यात्रा में अनुपम प्रस्तुति प्रमुख
शोभा यात्रा अभिनंदनोदय तीर्थ से आगे बढ़ती हुई और आप देख रहे हैं यह शोभा यात्रा निरंतर अपनी भव्यता के साथ आगे बढ़ रही है और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रमुख पात्र सन्मति सराफ जी आप देख रहे हैं यह शोभा यात्रा के प्रमुख पात्र आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। प्रमुख पात्र जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शाही पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होंगे और प्रमुख पात्र बनेंगे आप देख रहे हैं वाहनों पर सवार होकर इंद्र इंद्राणी पहली बार यहां पर घट यात्रा महोत्सव में आगे बढ़ रहे हैं। अलग ही माहौल है, विशाल भव्य पंच कल्याण की आगाज, आज की घट यात्रा ऐतिहासिक है। ललितपुर में ऐसा कार्यक्रम नहीं है, सब लोग हर्षोल्लास से नाच रहे हैं, बड़े प्रसन्नता की बात है, सभी को बहुत बहुत बधाई है। आगे आप देख रहे हैं ये शोभा यात्रा में कितना सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, श्री जी को अपने हाथों से रथ को खींचते हुए अयोध्यापुरी की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ के इंद्र इंद्राणी आप देख रहे हैं, चप्पल पहने हुए हैं, श्री जी के रथ को देखे अपने हाथों से खींचते हुए मानव रथ के रूप में श्री जी को अयोध्यापुरी ले जा रहे हैं। यहाँ पर उनके पीछे सियादबाद वर्धमान सेवा संघ के स्वयं सेवक अपने दिव्य घोष और हाजरे के माध्यम से यह अनुपम प्रस्तुति देख रहे हैं और उनके पीछे पीछे आप देख रहे हैं कि विशाल वाहन में एक सुंदर सी झांकी आगे बढ़ रही है, जिसको यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की घट यात्रा, अलौकिक घट यात्रा भूतोना भविष्यति, लगभग 2 किलोमीटर लंबे अंतराल के बाद यह घाट यात्रा यहाँ पर देख रहे हैं कि श्री जी को लेकर अपने हाथों से मानव रथ के रूप में खींचते हुए चल रहे हैं और प्रतिष्ठा महोत्सव में ऐसी प्रतिमाएं जिनको यहाँ पर ले जा रहे हैं श्री जी को बड़ी भव्यता के साथ और इन वहाँ पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में यहाँ पर अपने धार्मिक अनुष्ठान सानिध्य होंगे। आप देख रहे हैं कितनी भारी सा अन्नु भैया इस पूरे इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे दयोदय रथ टीकमगढ़। और सबके पीछे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के आगे आगे चमर धोते हुए यह स्वयं सेवक चल रहे हैं। पूज्य महाराज श्री सुधा सागर जी महाराज, उन्हीं श्री पूज्य सागर जी महाराज, धैर्य सागर जी महाराज, सुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज अपना सानिध्य प्रदान करते हुए नगरवासियों को मंगल आशीर्वाद और उनके पीछे पीछे सभी श्रावक बंधु चल रहे हैं और चांदी का विशाल रथ जो ललितपुर की शान है इसको हस्तों से खींचते हुए यह मंगल कलश यात्रा अभिनंदनोदय तीर्थ की ओर आगे बढ़ रही है। यह अनुपम दृश्य ललितपुर वासियों के लिए युगों युगों तक याद रहेगा, ऐसी मंगल कलश यात्रा ललितपुर में पहली बार निकली है और आज इस मंगल कलश यात्रा से पंच गजरथ जो कि पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 9 गजरथ 1993 में पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में हुए थे उसकी याद ताजा हो रही है
और उनके पीछे पीछे पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुलूस व्यवस्था को मूर्त रूप दे रहे हैं और ऐसे आयोजन को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। पूरे संघ के साथ पूज्य सागर जी महाराज एलक श्री धैर्य निकल रहे हैं, उनके श्रद्धालुजन ब्रह्मचारिणी दीदी वगैरह आरती कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। जय उदय म्यूजिकल ग्रुप टीकमगढ़ के डायरेक्टर हैं, सुनते हैं पंच कल्याणक महोत्सव में आज उन्हें कैसा लग रहा है। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, जिला पंचायत ललितपुर समाज ने हमें ये मौका दिया। जय उदय म्यूजिकल ग्रुप सारे देश में जो ख्याति फैलाई है, आज मुझे मुनि पोंगो सदा सागर के सीचड़ों में सत्संग के सीचड़ों में ये अद्भुत विध्वनि बिखेरने का मौका ला, मैं बहुत बहुत गदगद हूँ। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, उल्लासित हूँ। आज ललितपुर जैन समाज द्वारा ऐतिहासिक एकादश पंचगत रथ महोत्सव में मुनि पंगव सदा सागर महाराज ने जो वचन दिया था उनका वचन सिद्ध हो गया है। गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में शाही पंच कल्याणक महामहोत्सव का आज जो आगाज हुआ है, ये घट यात्रा जो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्रपाल जी मंदिर से प्रारंभ होकर के पंच कल्याणक स्थल तक पहुंच रही है, अलौकिक जलूस, अलौकिक घट यात्रा, विशाल जनसमूह गुरुदेव के साथ, श्री जी के साथ जो बिहार पंच कल्याणक स्तर पर हो रहा है, ऐसा दुल्हन सा सुंदर जो नगर सजा है और उसमें ये सुंदर सा जलूस, सभी जरूरी आवश्यक सेवाओं के साथ ये जलूस जो जा रहा है, इसका आगाज ही बता रहा कि अंजाम जो हमारा पंच कल्याणक शाही महामहोत्सव होने जा रहा है अपने आप में अभूतपूर्व होगा। ऐसी ही अभूतपूर्व आज की ये शुरुआत घट यात्रा है, सभी को जय जिनेंद्र। आज की जैसा कि महाराज जी के निर्देशन में घट यात्रा निकली है, शायद अभी तक के मेरे जीवन में तो पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला। जैन समाज के द्वारा इतना उत्साह, इतना सब कुछ, जब घट यात्रा में इतना उत्साह दिखा और इतनी लंबी यात्रा कि शायद जहां से जहां तक जाना है और जहां से शुरू हुई वहां तक जनमानस दिखाई दे रहा है इतनी भीड़ में, और आगे अगर अभी घट यात्रा की ये स्थिति है तो सोचिए पंच कल्याणक में क्या होगा। ये तो पूरा विश्व है, पूरा विश्व देखेगा, और ऐसा आज तक ना हुआ है ना कभी होगा, ये पहली बार है। जय जिने। यह घट यात्रा, यह धार्मिक जुलूस भूतों न भविष्यति न कभी आज तक ऐसा हुआ है न आने वाले कल में होगा। यात्रा श्री क्षेत्रपाल जी से प्रारंभ होकर यह यात्रा इलाइट तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसका भी अंत नहीं हुआ है। जनमानस में बहुत ज़्यादा उत्साह है। हमारी इंद्राणी मातृशक्ति लगातार नृत्य द्वारा अपनी भक्तिभाव प्रदर्शित कर रही हैं। पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज, पूज सागर जी महाराज, धैर्य सागर जी महाराज, गंभीर सागर जी महाराज के कुशल नेतृत्व में ऐसी भव्य यात्रा कभी नहीं निकली है। यात्रा में सभी के अंदर बहुत ही उत्साह है। सभी इंद्रनाणी नाचकर, मृदंग बजाकर और अष्ट द्रव के साथ पूरी भक्ति के साथ यात्रा निकाल रही हैं। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापर श्रमण श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज व एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में अभिनंदनोदय तीर्थ लोकार्पण, जिनबिंब पंच कल्याणक, गजरथ आदि 11 रथ महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ 28 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक ललितपुर में होने जा रहा है। इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में विशेष आकर्षण होगा 30 जनवरी 2023 को प्रातः 7:30 बजे अयोध्यापुरी के ग्रीन परेड ग्राउंड पर जैन आर्मी के द्वारा विशेष अति भव्य परेड, गेस्ट ऑफ ऑनर ध्वजारोहण, ध्वज वंदन, संगीत सलामी, पुष्प तोय सलामी,
शाश्वत जैन गान, ध्वज गीत नृत्य, बलून ट्रेन आदि विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के मंगल आयोजन में पधारकर धर्म लाभ उठाएं व पुण्य अर्जन करें। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर।